देखो आज के टाइम में इंडिया के अंदर टू व्हीलर व्हीकल्स की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ पेट्रोल व्हीकल ही नहीं है, अभी के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर स्विच भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में डाउट होता है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया जाए या फिर पेट्रोल व्हीकल लिया जाए, हमारे लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, हमारे बजट में कौन सा आ रहा है, वहीं साथ में अगले 3 साल 5 साल जितना हम डेली कम्यूट कर रहे हैं उसके हिसाब से बेनिफिशियल कौन सा है, प्राइस वर्थ कौन सा है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टॉप 2 पेट्रोल व्हीकल्स जिनकी सेलिंग इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है और हर कोई जब भी कोई एक नया स्कूटर लेने की बात आती है तो वो इनके बारे में ज़रूर सोचता है। और अगर मैं आपको इन चारों के बारे में डिटेलिंग में सब कुछ बता दूंगा कि किसके अंदर कितनी प्राइसिंग है, मतलब ऑन रोड प्राइस क्या है, वहीं साथ में आप डेली कम्यूट कर रहे हो तो आपके कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, और अगर आपका डेली कम्यूट 50 है, 40 है, 30 है, 20 है या फिर 10 किलोमीटर है तो हर किलोमीटर के हिसाब से आपके लिए अगले 3 साल 5 साल में कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, इन चारों व्हीकल्स के बारे में बताता हूँ आपको। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने चुना है वो है ओला का ओला S1 एयर जो कि अभी के टाइम में मोस्ट टॉप सेलिंग है, वहीं दूसरा TVS का iQube जो कि सेकंड टॉप सेलिंग है। फिर पेट्रोल व्हीकल की बात करें तो एक्टिवा 6G जो कि हर इंडियन की पसंद रहती है, मतलब स्कूटर में पहली पसंद एक्टिवा 6G होता है। फिर सेकंड TVS का जुपिटर, जो एक्टिवा नहीं लेना चाहता वो जाता है जुपिटर लेने। पहले ऑन रोड प्राइस बता दूँ आपको, तो देखो ऑन रोड प्राइस क्या है ना, ओला S1 एयर का आज की डेट में अगर ऑन रोड प्राइस देखते हैं अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 से लेके 1,35,000 के आसपास रहता है, मैं ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। वहीं बात करें दूसरा TVS iQube, तो TVS iQube का प्राइसिंग क्या रहता है, 1,41,000 से लेके 1,45,000 रुपये ऑल ओवर इंडिया में। फिर एक्टिवा 6G की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली प्राइस है 95,000। वहीं TVS जुपिटर 2,000 रुपये महंगा है, 97,000 अप्रोक्सीमेटली प्राइसिंग है। अभी हम जो मेजर करेंगे वो इन चारों प्राइसिंग के साथ में करेंगे। अभी ओला S1 एयर कितना फ़र्क है, एक एक्टिवा की बात करें तो एक्टिवा से कितना ज़्यादा महंगा है, तो वो महंगा है 36,500 और जुपिटर से कितना ज़्यादा महंगा है, 34,500। वहीं TVS iQube की बात करें तो ये एक्टिवा से महंगा है 46,000 रुपये और TVS की जुपिटर से महंगा है 44,000 रुपये। अब इनकी पर किलोमीटर के ऊपर कितनी कॉस्टिंग आती है, तो 0.25, मतलब सिर्फ 25 पैसे आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पर किलोमीटर के ऊपर जो कॉस्टिंग है वो। वहीं पेट्रोल व्हीकल्स की बात करें, एक्टिवा हो या जुपिटर हो, इनके अंदर आती है लगभग 2.5 रुपये के आसपास, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसिंग है 110 रुपये और यहाँ पे लगभग 4 यूनिट लगते हैं एक बार फुल चार्ज होने में, और एक बार फुल चार्ज होने में कितनी, कोई 100 किलोमीटर चलती है, कोई 120 किलोमीटर चलती है। अब जो लोग 50 किलोमीटर पर डे रनिंग करते हैं या फिर डेली का उनका 50 किलोमीटर या फिर इससे ज़्यादा का कम्यूट है तो वो लोग पहले सुनना, तो उन लोगों के लिए मंथली खर्चा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आएगा लगभग 400 रुपये के आसपास का, पेट्रोल व्हीकल पे आएगा लगभग 4,000 रुपये के आसपास का। और इनको अगर आप 3 साल के लिए कैलकुलेट करोगे तो 3 साल बाद कितना खर्चा हो जाएगा 14,400 का, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, पेट्रोल व्हीकल के ऊपर 1,44,000 का। रुको अभी आपको आगे पूरा कंटिन्यू बता रहा हूँ ना, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के पास क्या होगा, तो जिनका कम्यूट 15 किलोमीटर है तो अभी तो यहाँ पे हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है। लेकिन रुको, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ जिनका डेली राइड ही सिर्फ 15 किलोमीटर है, तो उनके लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर खर्चा आता है सिर्फ 115 रुपये, पेट्रोल व्हीकल के ऊपर 1,150 रुपये, मतलब 10 टाइम हायर है पेट्रोल व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में फ्यूल की बात करें तो। तो अब देखो दोनों का कंक्लूजन बताता हूँ आपको। जैसे 50 किलोमीटर पर डे आपकी रनिंग है तो 3 साल बाद टोटल कॉस्टिंग लगा लें अपन ओला S1 एयर की, तो वो आती है 1,45,900 रुपये। वीडियो अभी स्किप मत करना, आपको एंड के अंदर सबसे ज़्यादा एक बेनिफिट बात वाली बात बताने वाला हूँ, क्योंकि सबसे एंड के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है, क्योंकि सर्विस कॉस्ट अभी तक मैंने ऐड नहीं करी है। अब TVS iQube लेते हो तो 3 साल बाद टोटल खर्चा 1,55,400 रुपये, एक्टिवा के ऊपर लगेंगे आपके 2,40,000 रुपये के आसपास, 2,39,000 रुपये होगा अगर कैलकुलेट करेंगे तो, और जुपिटर पे लगेंगे 2,41,000 रुपये। अब 50 किलोमीटर डेली रनिंग कर रहे हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 80,000 से 90,000 का, और ये कंसिडरेबल है। तो इसी कंडीशन के अंदर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाना चाहिए। अब बात करते हैं जो 15 किलोमीटर के आसपास की डेली रनिंग कर रहे हैं, मतलब 20 किलोमीटर तक भी मैक्सिमम मान लें, तो उन लोगों के लिए अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये देखो ये प्राइसिंग सामने आएगी। अब इन चारों के अंदर सर्विस कॉस्ट कितनी आएगी, तो देखो ओला के अंदर सर्विस कॉस्ट लगभग सिमिलर ही आएगी। रीज़न क्या है, आप 3,000 रुपये का इनका ओला केयर प्लस लोगे तो अगर 3 साल के लिए ओला केयर प्लस लोगे तो कितना आ गया, लगभग 9,000 रुपये, प्लस आपके जो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा जैसे ब्रेक पैड चेंज करवाना होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे अगर कुछ पार्ट्स को आपने अपग्रेड करवाया, कुछ पार्ट्स चेंज करवाया तो वहाँ पे लगभग 5,000 रुपये हम 3 साल में मान लेते हैं, तो कितना हो गया, 14,000 से 15,000 रुपये। वहीं अगर पेट्रोल व्हीकल की बात करें तो साल के अंदर आप 3 सर्विस या 4 सर्विस करवाते हो, 3 साल के अंदर 12 सर्विस करवा लोगे तो 12 सर्विस में 1,200-1,500 रुपये के आसपास का खर्चा मान के चलें तो वही लगभग 15,000 रुपये के आसपास होता है एक पेट्रोल व्हीकल के अंदर। तो यहाँ पर सर्विस कॉस्ट जो है
भले ही लोग कहते हो कि यार सर्विस कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल जीरो सर्विस कॉस्ट है, हाँ जीरो सर्विस कॉस्ट है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं ना केयर प्लस के नाम से, तो वो चीज़ अगर हम सर्विस कॉस्ट में इंक्लूड करें तो लगभग सिमिलर ही हो गया ना। हाँ TVS के अंदर आपको 5,000 रुपये ही लगेंगे और सर्विस TVS की ज़्यादा फास्ट है ओला के मुकाबले, क्योंकि ओला के अंदर अभी सर्विस इशूज काफ़ी सारे लोगों को आ रहे हैं, हाँ हो सकता है फ्यूचर में ना आए। तो 15 किलोमीटर अगर रनिंग है तो 3 साल बाद सबकी प्राइसिंग लगभग इक्वल होगी 1,50,000 रुपये के आसपास की। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, पेट्रोल व्हीकल के अंदर आपको रीसेल वैल्यू जरूर मिलेगी। तो जो 15 से 20 किलोमीटर डेली रनिंग कर रहा है उनके लिए पेट्रोल व्हीकल ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन जो 30, 40, 50 या फिर इससे ज़्यादा कर रहा है तो उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन जिनका डेली कम्यूट ही 100, 120, 150 किलोमीटर तक का है तो उन लोगों को तो पेट्रोल व्हीकल लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इतना ज़्यादा बेनिफिट वाला या फिर इतना ज़्यादा नहीं बड़ा है कि आपको जगह जगह पे चार्जिंग स्पॉट मिल जाए और वहाँ पे आप 10-15 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी को चार्ज कर लो। उसके लिए तो अभी आपको पेट्रोल व्हीकल लेना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप हर जगह अवेलेबल है। तो ये था आज का हमारा डिटेल वीडियो, जिसके अंदर हमने बात करी है पेट्रोल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, दोनों की प्राइसिंग के अंदर बात करी है, दोनों के अंदर आपको कौन सी बेनिफिशियल रहेगी आपके डेली कम्यूट के हिसाब से वो बात करी है। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कमेंट में रिप्लाई देने की, या फिर कोई भी व्हीकल से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ओके बाय।